उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के अधिकारियों तथा 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सोमवार को लखनऊ में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। गोरखपुर के NIC भवन में जनपद में चयनित 11 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह एवं विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, शीतल पांडे और संत प्रसाद के द्वारा दिया गया, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित आज के इस हम सब के अभिभावक जिनके मार्गदर्शन में यह उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी अधिकारी की पूरा पद 794 था। 794 के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 76 ही पद थे, जिसपे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हमारे युवा गठन, गांव गांव में ओपन जिम बनाना, गांव गांव में व्यायामशाला बनाना, गांव के अंदर जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल इंटर कॉलेज हैं, उन विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य कराना और खेल की गतिविधियों को ग्रामीण अंचलों से बढ़ा करके जिला मुख्यालय तक लाते लाते प्रदेश और देश के खिलाड़ियों के बीच में उनको आगे तक ले जाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को। नमस्ते, ये बताइए किस पद पे आपका चयन हुआ है? नौ चयनित क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों एवं व्यायाम शिक्षकों के प्रशिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में युवा कल्याण एवं खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. विभाड़ चंद कौशिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, और नौ चयनित सभी हमारे अभ्यर्थीगण, मैं सबसे पहले 534 व्यायाम प्रशिक्षकों एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपने प्रदेश के इन सभी युवाओं को उनकी पसंदीदा स्थल और स्थान प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एक साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में न केवल ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए इस प्रादेशिक विकास दल की अपनी एक भूमिका है। हम लोग विगत 4 से PRD के जवानों का उपयोग न केवल सामान्य दिनों में यातायात की व्यवस्था के संचालन
और सुव्यवस्था को बनाए रखने में करते हैं, बल्कि पर्व त्यौहार और विभिन्न आयोजनों के अवसर पर भी शांति व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा में इनका बेहतरीन उपयोग करते हैं। हर नागरिक और हर व्यक्ति के पास अपनी एक क्षमता है, लेकिन उसका सही मार्गदर्शन किए जाने की आवश्यकता है। अगर प्रशिक्षित प्रादेशिक विकास दल से जुड़े हुए पीआरडी से जुड़े हुए अधिकारियों का उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो ग्रामीण प्रवेश से जुड़े हुए हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का ढेर सारा अवसर प्राप्त होता है। स्थिति पिछले 4 वर्ष के अंदर काफी इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। गांव गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप खेलो इंडिया खेलो के तहत ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम तो चलते थे, लेकिन उनके पास खेल सामग्री नहीं होती थी। मुझे प्रसन्नता है कि 55,000 से अधिक मंगल दलों को खेल सामग्री अब तक वितरित की गई। प्रदेश के अंदर 1 लाख से अधिक राजस्व गांव हैं और इन 1 लाख से अधिक राजस्व गांवों में खेल का मैदान हो, इसके लिए गांव में भूमि के अदला बदली के माध्यम से भी अगर खेल के मैदान की व्यवस्था को विद्यालय के आसपास या किसी सार्वजनिक स्थान पर हम लोग रख सकें, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। ग्रामीण स्टेडियम या मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और आज उसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों ने भी ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई होड़ एक नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। दूसरी तरफ पीआरडी के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भी सामान्य प्रशासन की मदद के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है और यही कारण था कि हमारी सरकार ने इनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करते हुए इन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। वर्षों से लटकी हुई ये नियुक्तियां प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने से वंचित करती थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज हमारे 534 ये नए अभ्यर्थी अपने एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं विभाग से ही कहूँगा इनका बेहतर प्रशिक्षण होना चाहिए। युवाओं की टोली गांव-गांव में लग करके रचनात्मकता के उस अभियान के साथ जुड़े जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों की तैनाती हुई है। प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत सदस्य उनके साथ बनकर के एक बोर्ड ग्राम पंचायत का बना है। 825 विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य और उनका बोर्ड भी ब्लॉक प्रमुख का गठित हो चुका है और कल उनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। 75 जनपदों के जिला पंचायत के अध्यक्षों का चयन सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद उनका चुनाव संपन्न होने के बाद उनके बोर्ड का गठन भी हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था
के लिए हम लोगों ने पहले से इस बात को पूरी प्रतिबद्धता के साथ तय किया है कि हर एक, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत, उनकी कुछ प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए और प्राथमिकता के तहत ग्राम पंचायतों को गांवों में खेल के मैदान, मिनी स्टेडियम और ओपन जिम के लिए अपनी प्राथमिकता तय करने के लिए कहा गया है। मेरा यह अनुमान है कि अगर ये सभी लोग मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, अनेक खेल प्रतिभाएं गांवों से निकल करके प्रदेश में, देश में और दुनिया में अपनी धूम मचाने में सफल हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रोत्साहन की आवश्यकता है और उसमें हमारे इन नवचयनित अभ्यर्थियों की एक बड़ी भूमिका होगी, लेकिन उससे पहले इन्हें भी स्वयं प्रशिक्षित करना होगा और इसीलिए हमने चयन की इस प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ इस चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई और आज नियुक्ति पत्र के साथ ही वर्षों और दशकों से लंबित इन सभी स्थलों पर हम लोग योग्य युवाओं को भेज करके ग्रामीण प्रवेश में न केवल खेलकूद की गतिविधियों को और युवाओं को रचनात्मक कार्यों के साथ जोड़ने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, बल्कि शहरी क्षेत्र में सामान्य प्रशासन के सहयोग के लिए भी पीआरडी के जवानों की मदद करने के लिए हमारे जो नवचयनित अधिकारी हैं, ये लोग बेहतर तरीके से वहाँ पर अपनी सेवाएं देने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर 26 व्यायाम प्रशिक्षक और 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों का जो नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित नहीं किया, केवल एक सामान्य वर्चुअली ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें कुछ युवाओं को यहाँ पर मैं स्वयं नियुक्ति पत्र दूंगा, बाकी को जनपद स्तर पर हमारे जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। विभाग समयबद्ध ढंग से इनकी ट्रेनिंग करवा करके इन्हें उचित मार्गदर्शन देते हुए ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में इन्हें इनकी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, यह मेरा विश्वास है। प्रदेश के युवाओं के लिए मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 4.25 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। विगत 4.25 वर्ष के दौरान एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, योग्यता के अनुसार हरेक व्यक्ति को अवसर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो निवेश करवाया है, इस निवेश के माध्यम से भी 1.61 करोड़ से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, उन्हें भी वहां पर प्लेसमेंट करवाया गया है। स्वतः रोजगार के तहत भी 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वयं का रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के बैंक और वित्तीय संस्थाओं से जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और मुझे विश्वास है कि प्रदेश का युवा कल्याण विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अवसरों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, जिसकी आस में वह
बैठा रहता है, और खासतौर पर विगत 4 वर्ष के दौरान मंगल दलों ने जो कार्यक्रम किए हैं उसे और तीव्रता के साथ हर एक ग्राम राजस्व गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक तो हम लोग जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं वहां तक ही पहुंच पाए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि राजस्व गांव में भी हमारा कोई ना कोई मंगल दल और युवक मंगल दल जरूर हो, और ये केवल खेलकूद तक ही सीमित न रहे, गांव की स्वच्छता के कार्यक्रम को इनके साथ जोड़ा जाना चाहिए, गांव के सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था के संचालन में इनको जोड़ा जाना चाहिए, गांव में स्वतः रोजगार के अवसर कहां हो सकते हैं इसके सृजन की कार्रवाई को इनके साथ जोड़ा जाना चाहिए, गांव में उन सभी संभावनाओं को जिससे ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया जा सके इसके लिए भी इन्हें हम प्रशिक्षित कर सकें, इस दिशा में भी एक नया प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। और बहुत कुछ ग्रामीण क्षेत्र के उस प्रवेश में जो गांधी जी के उन सपनों को साकार करता है, ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए ही राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की अपनी अपनी अभिनव योजना चलाई है। हमने जनपद स्तर पर तो एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर है, लगभग 17-18 ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करके उन लोगों को प्रशिक्षित करने, उनके प्रोत्साहन करने, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने और एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को साकार करने में भी इन युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। मुझे विश्वास है कि ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर गांव के निर्माण के लिए हमारे ये युवा निरंतर प्रयासरत होंगे। आज के इस अवसर में इन सभी 534 नवचयनित व्यायाम प्रशिक्षकों और प्रदेश के प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मैं इन सब के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपनी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं प्रदेश के अंदर दे करके विभाग को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का की ओर अग्रसर होंगे। आप सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज 11 लोग का युवा मंगल युवा कल्याण विभाग माध्यम से जो क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी 10 है और व्यायाम प्रशिक्षक उनका जो एक पद है, टोटल 11 लोग का नियुक्ति पत्र हम लोग यहाँ बांटे हैं। पूरे प्रदेश में 500 को ऊपर लोग आज नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांटे हैं। सभी विधायकगण यहाँ थे और उनको मौजूदगी में हुआ है। एक सब युवा है, सबको जो प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और आगे भी तो देश की सेवा करने के लिए उन लोग सब लोग स्वीकार करते हुए काम कर रहे हैं।